पर्यटन नगरी नैनीताल के पंत पार्क में अवैध फंड खोका व्यवसायियों की दुकानों का नगर पालिका ईओ ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण करते हुए नगर पालिका ईओ ने फंड खोका व्यवसायियों के लाइसेंस चेक किए। इस दौरान उन्होंने बिना लाइसेंस के लगाई जा रही दुकानों के दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि कल से केवल लाइसेंस धारी ही पंत पार्क में अपनी दुकान लगाए और चेकिंग के दौरान यदि अवैध रूप से कोई भी व्यवसायी व्यवसाय करता पाया गया तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। ये एक अभी कुछ समय पहले ही शासन के द्वारा आया गया है, दिया गया है निर्देश कि जो भी सरकारी संपत्तियां हैं जिस समय उनका उपयोग ना हो रहा हो उनको सार्वजनिक उपयोग के लिए कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हमने एक जगह चिन्हित की है कि जो GIC यहाँ पे कोटा बैक सॉरी GGIC जो नैनीताल की है उसके ऊपर हमने उसे चिन्हित किया कि उसको हम संडेज के दिन या किसी अवकाशों के दिन पे कर सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर एक विधि बैठाई जा सके। स्कूल से भी सामंजस्य और शिक्षा विभाग से भी हमें उसे अनापत्ति लेकर के उसमें एक संचालन शुरू कर सकते हैं और उम्मीद तो यह है कि उसमें कम से कम हम 200 गाड़ियों की लगभग की पार्किंग कर सकते हैं। तो और जो हमारी यहाँ समस्या नैनीताल में विशेषकर जो छुट्टी के दिन संडेज पे ही होती है तो उसकी थोड़ी समस्या काफ़ी हद तक जो है निजात।